हेवन ऑन अर्थ। रुको, सच में हेवन ऑन अर्थ है। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम किस तरह जंगल के बीचों बीच आधी रात को पहुंचे और वहां जाके रुके। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू होता है यहाँ से, और आज आपको देखने को मिलेगा कि हम किस तरह सुको वैली गेस्ट हाउस तक पहुँचते हैं। तो ब्लॉग जो है शुरू करते हैं यहाँ से। सो फाइनली सूरज का पहला किरण इस जंगल में। अभी इट्स बीन 45 मिनट्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। अभी लिटरली दिस इज़ द फर्स्ट सनरे जो कि हम पे गिर रहा है, और बाकी जो पूरा फॉरेस्ट है इट्स कवर्ड अप विथ ट्रीज, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो अंदर नहीं आ पाता है। वी आर हैविंग अ हार्ड टाइम ओवर हियर ट्रैकिंग दिस फकिंग रूट। सो वी आर वर्किंग लिटिल लेट एज बिकॉज विद्युत का जो पैर है वो थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनके पैर में थोड़ा सा चोट है, तो इसी चक्कर में हमें और विद्युत थोड़ा धीरे चल रहे, और बाकी वो लोग थोड़े से आगे हैं हमसे, तो अभी साथ चल रहे और आगे का सीन दिखाते चलते चलते। सो दिस इज़ वेयर वी आर ट्रैकिंग टुडे। द रूट इज़ वेरी टफ, द रूट इज़ वेरी स्टिफ, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ जो है स्टेप्स है, तो बहुत तकलीफ हो रहा है हमें चलने में। कल से चल रहे हम, जैसे कि आप सामने देख सकते हो विद्युत है यहाँ पे, तो मैं उन्हीं के साथ लगा हूँ। थोड़ी देर पहले से मैंने बोला उनका जो है पैर में बहुत सारा तकलीफ है, तो वो धीरे धीरे चल रहे, और मैं भी उनके साथ मौके का फायदा उठाते हुए धीरे चल रहा हूँ। राइट, हालत हो चुका है खस्ता, क्योंकि हमने सुबह किया नहीं था नाश्ता, मिला दिया, और अभी जस्ट हम लोग 1 किलोमीटर चढ़े हैं मिड पॉइंट से, और अभी भी चलना बाकी है। चल रहे, चलेंगे और चलते जाएंगे, आएगा सीन देखते हैं, देख लो सिनेमैटिक में। और राइट दोस्तों, सो फाइनली वी रिच्ड सुको वैली का व्यू पॉइंट। तो कब टाइम कितना हो रहा है? 11:20। सो इट्स कितना टाइम हुआ हमें चढ़ते हुए? 7:30 बजे निकले। 11:20 राइट नाउ। हम लोग नहीं पहुंचे, तुम अभी पहुंचे, हम लोग 10:30 पहुंचे। हाँ, यहाँ पे सिराज दा, नील और आतिक दा, वो लोग जो है 10:30 को पहुंच गए थे, बट मैं और विद्युत दा थोड़ा सा लेट पहुंचे अलॉन्ग विद ध्रुव दा। हमें 45 मिनट ज़्यादा लगा पहुँचते पहुँचते, एज बिकॉज विद्युता का जो पैर का कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए हम धीरे धीरे चलते हैं। बट कोई बात नहीं, लेट मी शो यू द व्यू ऑफ द जुको वैली फ्रॉम योर राइट नाउ। सो देख लो आप व्यू। यहाँ पे बहुत देर रुकने के बाद अभी हम लोग चलने वाले हैं जुको वैली गेस्ट हाउस तक, क्योंकि गेस्ट हाउस तक हमें जाना है, व्यू पॉइंट तक नहीं रहना है। और कल रात को जो हम रहे बाहर, माशाल्लाह बहुत अच्छा रात बीता हम लोगों का, तो इसीलिए सोच रहे आज जुको वैली गेस्ट हाउस में जाके हम लोग रुकेंगे, वहाँ पर खाना वाना खाएंगे, क्योंकि 3 दिन हो गए हमने मतलब वो क्या कहते उसको, भात नहीं खाया, राइस जो है पेट में नहीं गया, मैगी अंडा इसी के ऊपर हम लोग चल रहे। तो अभी चल के
खाना वाना अगर कुछ जुगाड़ मिलता है तो वहाँ पे वो खाना है। तो आप अभी जो है फिलहाल रूट का मजा लो, हम लोग करते ट्रैक। स्टे ट्यून, आई विल कीप यू पोस्टेड। ठीक सामने वो जो पॉइंट आप देख रहे हो वहाँ पे ये वाला है गेस्ट हाउस। तो भाई साहब वहाँ तक चल के अभी फिर से जाना है, रूट ये है और हम लोग अभी फिर से चलना शुरू करें। राइट गाइस, सो फाइनली वी रीच्ड सुको वैली और आने के साथ साथ यहाँ का जो सीन है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। हमने जो है टेंट पिच कर लिया है अपना और खाने पे टूट पड़े हैं। तो खाने में जो है हमें यहाँ पे मिला है मैगी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ पे आके राइस खाएंगे तो, बट यहाँ पे यहाँ का सीन कुछ और ही है क्योंकि भाई साहब यहाँ चल रहा है सुको फेस्टिवल जो कि आज से शुरू हुआ है। मस्त सा एंजॉयमेंट चल रहा है और द व्यू फ्रॉम आर टेंट इज ऑसम। अभी दिखाते वो हियर आई एम एट द टेंट। बाहर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक जो हमें चलते वक्त जैसा टेम्परेचर नहीं मिला यहाँ पे उससे दुगना ज़्यादा गर्मी है। एकदम सन जो है हमारे आँखों के सामने है। बहुत सही सा सीनरी है, बहुत सही सा सीन है, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। इससे अगर ज़्यादा अच्छा कुछ देखने को मिलेगा हम ज़रूर दिखाएंगे। तो अब के लिए इतना और आगे आप देखते रहो। तू है एक बंजारा जाने ना, तू क्यों फिरता वारा। दिल मेरे तू है एक नकारा माने ना, तू क्यों किस्मत का मारा। खुद को जाने ना तू, दिल क्या सच और क्या फस। और एक दोस्तों, सो अभी तक थे हम लोग जुको वैली का जो कैंप साइट है वहां पे। तो वहां से जो व्यू है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। तो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड अ व्यू पॉइंट एंड अ नेटवर्क पॉइंट, मतलब दोनों एक ही साथ है तो हम लोग वहां पे जा रहे हैं। और एक दोस्तों, सो नेटवर्क पॉइंट पे हम जा रहे थे, वो मैन मेड रूट है तो वहां पे लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टीज होता है चढ़ने में, बट स्टिल इट्स ओके। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें मिला फर्स्ट पिट स्टॉप एंड फर्स्ट व्यू पॉइंट। अभी तक हम नेटवर्क पॉइंट पहुँचे नहीं है, पहुँचने वाले, बट फर्स्ट व्यू पॉइंट का जो नज़ारा है दैट इज़ ऑसम। चेक आउट द व्यू। राइट गाइज, सो फाइनली वी आर हेयर। जैसे कि मैं आपको नीचे बोल रहा था कि हम वी आर हेयरिंग टूवर्ड्स, वी आर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स नेटवर्क टावर। तो दिस इज़ दी ओनली पॉइंट जहाँ पे आपको नेटवर्क मिलने वाला है, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ेगा। सो भाई साहब यहाँ आने के बाद जो नज़ारा आपको मिलता है थ्रू आउट द वैली आपको शायद से कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप ऊपर चढ़ते हो तो मिलने वाला, बट गेस्ट हाउस से आपको नहीं मिलने वाला है। तो लेट मी शो यू द व्यू राइट नाउ। उसके बाद हम ये जो पीछे आप टावर देख रहे हो वहाँ पे चढ़ेंगे। फिलहाल नील भाई जो है वहाँ से टाइम लैप्स ले रहा है, तो आप टाइम लैप्स का मज़ा ले लो और उसी के साथ साथ
इस व्यू का मजा ले लो। ऑलराइट दोस्तों, सो हम लोग चढ़ चुके हैं, मैं चढ़ चुका हूँ टावर पे। तो टावर पे चढ़ के हमें देखने को मिल रहा है जो नज़ारा मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया वैसा। और भी अभी एक काम करते हैं, नील भाई का जो है थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। भाई जो है हमारा क्या भाई जो है हमारा मतलब इंस्पिरेशन है। थ्रू आउट द ट्रैक ही वॉज द ओनली पर्सन जो कि बिना रेस्ट किए चल रहे थे, हमें गाइड कर रहे थे। हमारा जो गाइड का खर्चा है उन्होंने बचा दिया। तो नील भाई से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, उनको कैसा लग रहा है, उनका मतलब फीलिंग जो है हम पूछ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस ब्लॉग, रिगार्डिंग दिस मतलब ट्रिप जो भी है। ठीक है, तो नील भाई। हाँ भाई बोलो, किधर हो आप नील भाई? सो अभी बता दो भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? फिलहाल तो बहुत ठंडा लग रहा है भाई, और क्या बोलू कैसा लग रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है ठंडे के मारे। क्या नहीं था ऐसे जगह पे, हेवन ऑन अर्थ तो बहुत जगह कहता है और हर जगह तो विजिट नहीं कर पाया, मगर हाँ आज यहाँ आके लग तो रहा है यस हेवन ऑन अर्थ। सुको सच में हेवन ऑन अर्थ है, क्या कहूँ। हम लोग बैठे हैं ऐसे जगह पे जहाँ से क्लाउड हम लोग के नीचे है। ये सही बात है, आप हाँ। लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये देखो हम लोग किधर है और क्लाउड्स किधर है। क्लाउड्स जो है हमारे नीचे है, हम क्लाउड्स के ऊपर है। तो ये अगर हेवन नहीं है तो और कहाँ पे होगा। हाँ। और भाई आपने जितना मेहनत किया सुबह से, मतलब कल से या नहीं, सुबह नहीं, से, नहीं, नहीं, नहीं। वो कोई मेहनत नहीं किया, वो इसके सामने तो कोई मेहनत ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। कल से हमने कितना स्टेप्स चढ़ लिया? आई थिंक कल हमने किया था 5500 और आज हमने तकरीबन 11,000 स्टेप्स किया है। सो टोटल अभी तक 16,000 स्टेप हमने कर लिया है। हाँ मगर क्या कहूँ, वर्थ इट आई गेस। यस डेफिनेटली। ऑलराइट भाई साहब, तो ये थे हमारे नील भाई। फिर नील भाई ने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लिया आपसे। तो दिस वाज इट, तो यही मतलब सीन है, यही का सीन है। और एक सीन है, सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो जुको वैली है, जुको वैली में इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण हमारे मोबाइल्स में, हमारे पावर बैंक्स में, हमारे DSLR में चार्ज बिल्कुल नहीं है। तो डे फोर का जो ब्लॉग है वो शायद से नहीं आ सकता, क्योंकि हम नीचे उतरेंगे तो दिखाने लायक कुछ भी ऐसा होगा नहीं। अगर होगा तो हम किसी तरह जुगाड़ कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर डायरेक्टली डे फाइव का है। एंड ऑल थैंक्स टू नील भाई, एज बिकॉज उसी की वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़ा है ये सब एक्सपीरियंस करने का, ये सब मतलब थोड़ा बहुत ये सब क्या कहते हैं एडवेंचरस थिंग करने का। तो उसके वजह से हम लोग, मैं जो है यहाँ पे आ पाया हूँ, आप लोगों को ये व्यू दिखा पा रहा हूँ, विच इज़ वर्थ इट। तो जुको के गेस्ट हाउस से यहाँ तक आने में हमें लगा 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स जो है ट्रैक किया, वर्थ इट। अभी नीचे चलना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब सीन जो है कुछ ऐसा है, अभी सूरज जो है वो ढलने वाला है और उतरने में प्रॉब्लम होने वाला है। तो गाइज आई थिंक यहाँ पे जो है मैं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कैंपिंग साइट में शायद से कुछ दिखाने लायक नहीं होगा। अगर दिखाने लायक होगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, अगर नहीं होगा तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिर गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर हिट द लाइक आइकन। अगर किसी को दिखाना है ये व्यू, ये प्लेस, तो आप इसको जो है शेयर कर सकते हो। कमेंट करो आपको कैसा लगा ये प्लेस, और
नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसके साथ साइड में घंटी भी मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करके घंटी भी दबा देना। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो ये सोच के मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँगा, ये आशा करते हुए चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लिव राइड एंड एक्सप्लोर। बूम। Even get